जय हिंद बच्चों। बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के जीके के जो प्रश्न आते हैं कक्षा 11 मतलब क्लास 11th और क्लास 9th, उन दोनों के लिए बच्चों इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैंने ओरिजिनल पेपर ऑलरेडी दिखाया हुआ है पीएम यशस्वी का, और 9th और 11th दोनों का दिखाया हुआ है, तो एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, पीएम यशस्वी और श्रेष्ठा सॉल्व पेपर, ठीक है? तो उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आज लिंक डाल देता हूँ, और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये बच्चों श्रेष्ठा का भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम जो है NTA ही लेता है, श्रेष्ठा और PMSSV का, और दोनों का लेवल और सिलेबस जो है बच्चों सेम है और पैटर्न भी सेम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमलगुप्त? तो इसको बच्चों लिखी है अपने बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो बच्चों नालंदा जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा, नालंदा जो है वो किस लिए फेमस था, ठीक है? किस लिए फेमस था? इसके बाद है क्वेश्चन 77। 77 में हमें फिर से सूची का मिलान करना है, ठीक है? ये दरबार में ये लोग थे इन राजाओं के, और हमें मैच करना है किस राजा के दरबार में ये लोग थे, ठीक है? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ऐसे अमीर खुसरो ने बहुत राजाओं के दरबार देखे हैं, ठीक है? कई बार प्रश्न भी आता है कि कितने राजाओं के दरबार इन्होंने देखा है, ठीक है? कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, हरिसेन कहे हैं समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट हर्षवर्धन, ठीक है? तो ये है इसका ऑप्शंस, और ये इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आपने अगर पेपर देखा होगा तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि मैच द फॉलोइंग या कथन कारण वाले अच्छे से हमें तैयार कर लेने चाहिए, ठीक है? अब आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन 78। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, आर्य समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। और सेकंड कथन है, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह प्रतिबंध से है। बाल विवाह मतलब जब छोटे बच्चे रहें तो उनकी शादी नहीं हो सकती, तो पूरा पहले बहुत साल पहले बच्चों आज़ादी के पहले बाल विवाह छोटे बच्चों की ही शादियाँ कर दी जाती थी, तो उसको शारदा एक्ट के थ्रू प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था, ठीक है? तो बच्चों इसमें जो है दोनों, ये कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखें। 79 भी बच्चों देखिए सूची मिलान करने वाला है, ठीक है? तो इसमें हमें देखना है कि विभिन्न समाज स्थापित हुए थे लोगों के लिए, समाज के लिए, तो आखिर किन किन लोगों ने किसको किसको स्थापित किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वन लाइनर एक एग्ज़ाम में ऐसे भी आ जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो ये चार ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपको आंसर पता रहेगा तभी तो कर पाएंगे। कई बार ब्रह्म समाज आ चुका है, कई बार आर्य समाज आ चुका है, कई बार रामकृष्ण मिशन भी आ चुका है, ठीक है? तो प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग जी ने किया था, ठीक है? ब्रह्म समाज जो है राजा राममोहन रॉय जी ने, ठीक है? इसके बाद है आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। कई बार बच्चे कहते हैं कि PDF के लिए, बच्चों ये बुक की PDF है, इसको मैं ऐसे भी कॉपीराइट इश्यूज हैं इसको दे नहीं सकता। और दूसरी बात ये बच्चों है, एक और कारण ये भी है कि अगर मैं दे दूंगा तो आप कुछ नोट नहीं करेंगे, नोट करेंगे तभी आपको बच्चों याद रहेगा। तो इसको शॉर्टकट को मत अपनाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, वीडियो पॉज करके आप ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिए इन सवालों को, एक आपके पास बंच तैयार हो जाएगा फिर बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने। निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रावी, सतलज, व्यास या चिनाब? तो बच्चों देखिए सतलज नदी जो है वह सभी हिमालय की श्रेणियों को काटती है। सतलज नदी पे एक बांध भी बना हुआ है, उस बांध का नाम जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के इसलिए पूछता हूँ ताकि आप उसको खोजो
और उसका आंसर दो। उससे क्या होता है कि चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। जैसे आप क्लास में अपना पढ़ते हैं, कभी कभी सर आपको क्लास में उठा के पूछ लेते हैं ना, बताओ इसका उत्तर बताओ क्या होगा। तो अगर आप उस समय आपका दिमाग एकदम सजग हो जाता है, तो वैसे ही पढ़ाते समय मैं प्रश्न जो पूछता हूँ आपकी सजगता के लिए पूछता हूँ, ताकि जो चीज़ें याद हों आपके परमानेंट मेमोरी में चले जाएँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 81, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये क्या लखनऊ में है कि दिल्ली में है, शिमला में है, मद्रास में? तुक्का भी बच्चों यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों लखनऊ में है। ठीक है, तो लखनऊ आपको पता है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 82 है, सिस्मियोमीटर मापता है, तो सिस्मियोमीटर क्या हृदय गति को, भूकंप को, बारिश की तीव्रता को या समुद्र की गहराई को? तो ये बच्चों भूकंप को मापता है। ठीक है, समुद्र की गहराई हम किससे नापते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, ये देखिए ये कंट्रीज़ हैं और इनके ये कैपिटल हैं। तो 83 में अगर हम ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ताइवान, ताइवान का ताइपेई है, तंजानिया का डोडोमा है और मालदीव का माले है। ठीक है, तो इसमें आप ज़रूर से मालदीव का और ताइवान का याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का भी। ठीक है, तो क्योंकि अलग तरह से भी प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था, मेरे ख्याल से आपसे ही उत्तर मुझे लेना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है। तो एक घटते हुए क्रम में अगर आपको याद हो तो एक घटते क्रम में अगर कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा तो आप घटते हुए क्रम में एक इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो 84 आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। क्वेश्चन 85 है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो बच्चों ये है भारत में बन गया है और उसका नाम क्या ज़रा सा आप बताइएगा। क्वेश्चन 86 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि इसका संबंध हमारे भारत से है, इसलिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्या गुरुग्राम में है कि पेरिस में है कि लंदन में है कि वियना में है? अब क्योंकि मैंने भारत बता दिया तो भारत गुरुग्राम में है, ये किस स्टेट में है ज़रा सा इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अभी लेटेस्ट में गुरुग्राम न्यूज़ में भी था। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग मैंने कई बार कई बच्चों ने सही उत्तर भी बताए हैं और मैं उनको शाबाशी देना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे, अनामिका सिंह के एक नाम से आता है, वो बच्ची एकदम पूरे के पूरे सही सवाल बताती है, और भी बहुत बच्चे हैं जो कि एकदम सही पूरे सवाल बताते हैं और उनके 25 में से 25 सवाल सही होते हैं। आपको बताना चाहूँगा कुछ बच्चे जब मैं आंसर बताता हूँ वो आंसर अपना पहले सोच लेते हैं, अच्छा 87 का हमारा उत्तर 2 है, देखें सर क्या बताते हैं, इस तरह से वो आंसर चेक करके अपने नंबर भी भेजते हैं। अगर आप इस तरह से भी करें तब आपकी बच्चों एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 87 में है बच्चों आपका थर्ड आंसर है 1 जनवरी 2015। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है जो देश की नीतियों को बनाता है। 88 है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण क्या सेबी या RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या वित्त मंत्रालय या नीति आयोग? देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं इसके ऊपर, ये इसकी, लेकिन नीति निर्माण का कार्य जो है बच्चों वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता। 89, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्या 26 जनवरी को, 24 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को कि 8 मार्च को? तो ये मनाया जाता है बच्चों 24 अप्रैल को। ठीक है, फिर संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है, तो 90 का है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ऐसे सिंपल है लेकिन बता देता हूँ, हमें अपना राष्ट्रगान 52 सेकंड में गा लेना चाहिए। ठीक है, इसका ये उत्तर है और सभी बच्चों को मेरे ख्याल से पता होगा ये वाला। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली मुख्यमंत्री क्या मध्य प्रदेश में हुई थी, राजस्थान में हुई थी कि दिल्ली या उत्तर प्रदेश में? देखिए बदल के क्वेश्चन आया, इसके पहले मैंने प्रथम महिला वाला बताया था तो उसमें ऑप्शन बताया था। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला कौन थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही प्रथम ऐसा राज्य था जहाँ पर मुख्यमंत्री कोई महिला बनी थी। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो बच्चों सबसे पहला है इसका कि धन विधेयक केवल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसको याद कीजिएगा, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। ठीक है, और राज्यसभा अगर मना भी कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन विधेयक को कोई भी फाइनेंशियल बिल है
तो उसको राज्यसभा में कितने दिन तक रोका जा सकता है, ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका उत्तर है बच्चों स्पीकर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या TNG है या TNT है या TNA है या TNP है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका नोबल तेल, आपका TNG, ठीक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन 93 का आपका है पहला उत्तर। इसके बाद है सिरका का रासायनिक नाम है, तो 94 का है बच्चों, क्या टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या ब्यूटेरिक अम्ल? तो 94 का बच्चों आंसर है आपका एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। सिरका बनाया जाता है, अचारों में भी यूज किया जाता है। अल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे, बॉक्साइट से, ग्रेफाइट से, अर्जेटाइट से या पिच ब्लेंड से? तो बच्चों इसके ओर का नाम है बॉक्साइट, ठीक है। क्वेश्चन 96 है, ये हमें देखिए अलग अलग पार्क हैं और ये इसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो आपका सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 96 का, उड़ीसा में है। पंचमणि आपका मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है और नोकरेक आपका मेघालय में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको जरूर आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। चेर्नोबिल दुर्घटना संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत पुरानी है ये, नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, न्यूक्लियर एक प्लांट था उसमें दुर्घटना हो गई थी। चेर्नोबिल उस समय किस देश में था, जरा सा कमेंट सेक्शन बताइएगा। कंप्यूटर की सी भाषा का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं, तो डेनिस रिची ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 99 है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन खिलाड़ी जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? तो हमारे कपिल देव जी जाने जाते हैं। फिर है भारत भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, थैंक यू।